हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे वालों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ चुके कि आज के इस ट्यूटोरियल सारे HDFC यूजर्स के लिए। जी हां दोस्तों, और जैसे कि ट्यूटोरियल देखकर आए हो तो आप लोग तो HDFC से जंबो लोन लेकर ही रखे हो। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड के तहत हाथ पकड़ के ये दिखा दूंगा और सिखा भी दूंगा कि HDFC जंबो लोन का जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड है जहां पर आप पैसा भेजोगे, क्योंकि जंबो लोन का रीपेमेंट इतना ईजी नहीं है, बहुत ही टफ है, ठीक है। तो वो अकाउंट नंबर IFSC कोड कैसे पता लगा सकते हो? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लूँ तो इस वाले ट्यूटोरियल को देख सकते हो जहाँ पर मैंने आप लोग को HDFC बैंक का इंस्टा जंबो लोन स्टेप बाय स्टेप कैसे लेना चाहिए वो मैंने आप लोग को दिखाया था। और दूसरा ट्यूटोरियल ये था कि HDFC बैंक का जो जंबो लोन है वो आप कैसे यूनो SBI या SBI के नेट बैंकिंग से आप IMPS ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया था कि अकाउंट नंबर कैसे पता लगाना है और IFSC कोड पता लगाना है। और बार बार आप लोग ये कमेंट्स कर रहे थे IFSC कोड कहाँ गया, IFSC कोड कैसे निकालना है, हमारा जंबो लोन का IFSC कोड मुझे नहीं पता, हमारा जंबो लोन का अकाउंट नंबर मुझे नहीं पता, तो ये दोनों चीज कैसे निकालना है। कोई कोई तो कह रहा है कि IFSC कोड, ज्यादातर IFSC कोड, कोई कोई कह रहा है अकाउंट नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई दिया था कि आप लोग HDFC का कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उन लोगों से बातें कीजिए, अपने लोन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जो कस्टमर केयर में कॉल तो करते हो, उनके एजेंट से बात नहीं कर पाते, यानी आप लोग समझ ही चुके कि टोल फ्री नंबर में एक दबाओ, दो दबाओ, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, ये सब लोग समझ में नहीं आता। तो फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि आपका जो बिल बनता है स्टेटमेंट, आपका लोन का जो स्टेटमेंट, आपको वहीं पर भी मिलेगा, आपको मैसेज में भी मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो। और जो फाइल है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वो भी आप खोल नहीं पाते हो। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा दूंगा और उसके साथ साथ ये भी दिखा दूंगा। बहुत सारे लोगों का यही कॉमेंट्स है कि मेरा जंबो लोन का एक साल का था, दो साल का था, तीन साल का था, तो मैंने भूल गया था कि कब शुरू किया था, कब खत्म किया था, तो उसको डिटेल्स कैसे पता लगाना है, मुझे कैसे जानना है कि मेरा जंबो लोन का जो अमाउंट है इतना अमाउंट जो है खत्म हो चुका है और इतना अमाउंट जो है बाकी है, अभी भी पे करना है। यानी अगर मान के चलो 24 मंथ का लोन है तो मुझे कितना मंथ जो है मेरा रीपेमेंट हो चुका है और कितना मंथ होने को बाकी है, तो वो भी आज इस ट्यूटोरियल में आप लोग को डिटेल में समझा दूंगा और बता दूंगा। तो चलिए यार, बिना देर के इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत से स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे भाई हम आ गए हमारे मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पर। सबसे पहले भाई आप लोग जीमेल को ओपन कर लो, यानी उस जीमेल को ओपन कर लो जहां से आपका HDFC का अकाउंट जुड़ा है। यानी मान के चलो HDFC क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड जिस भी ईमेल आईडी या जीमेल अकाउंट से जुड़ा है, रजिस्टर्ड है, उस जीमेल को ओपन कर लो, ठीक है, जहां पर आपका सारा कुछ बैंक अकाउंट का अपडेट देता रहता है। तो सिंपली से जीमेल वाले अकाउंट में चले जाइए, ठीक है। जीमेल में आने के बाद मेरा कुछ पर्सनल डिटेल्स हाइड है, तो जीमेल में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है, क्योंकि जीमेल में बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे जो है मैसेज है, किसी किसी का मैसेज रहता है, किसी किसी का नहीं, तो यहाँ पर ढूंढने पर आप लोगों को घंटों लग जाएगा। तो सिंपली से इसलिए सर्च बटन दिया हुआ है, सर्च में जाओ और यहाँ पर लिख दो जंबो लोन, JUMBOLOAN, ठीक है। तो सबसे पहले जो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड जंबो लोन जो रहेगा, जो आपका जंबो लोन का स्टेटमेंट लास्ट मंथ का रहेगा या कोई भी मंथ का रहे, ठीक है, जस्ट खोलना है। खोलने के बाद सबसे यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर देखो हाउ टू ओपन योर ई स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो एक नीचे एक फाइल है, इसको ओपन करना है। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करके मुद्दे पर आता हूँ, और ये जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर देखो भाई लिख दिया है, मैंने रेडमार्क कर दिया, इफ योर नेम अपीयर्स ऑन द मंथली स्टेटमेंट एस एग्जाम्पल के तहत R.Siva स्पेस कुमार एंड योर DOB यानी डेट ऑफ बर्थ ब्रैकेट में है DTMMYY, उस अकॉर्डिंग पहले दिन, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, आपका जन्म तारीख, ठीक है, जैसे कि जन्म तारीख है 15/4/1965, देन द पासवर्ड वुड बी R.Siva, तो RSHI, ये चार अक्षर, यानी आपका नाम का पहला चार अक्षर, उसके बाद 1504, जैसे कि 1504, यानी सिर्फ और डे, मंथ, साल आपको नहीं देना है, 1504 आपको देना है। तो मेरा नाम का पहले का चार अक्षर, उसके बाद मेरा जन्म का दिन और मंथ फुल लिखना है, विदाउट स्पेस, विदाउट डॉट के सिवाय, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, तो जैसे लिखा ये ही आप लोग खोल नहीं पाते, तो क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो डिटेल में समझा दिया। तो जैसे लिखा तो यहाँ पर देखो ज्यादा टाइम ना गवाए, सिंपली से मैंने तो इसको ब्लर कर दिया, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ कहाँ रहेगा। देखो भाई एकदम टॉप पर स्टेटमेंट डेट है, मैंने कुछ कुछ हाइड कर दिया, और इंस्टा जंबो लोन ऑल्टरनेट अकाउंट नंबर ये है, तो यही आपका अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर को आप IMPS में दे करके या ऑनलाइन किसी भी पेमेंट सेक्शन में देकर के इस अकाउंट पे ही आपको आपका पैसा भेजना है, ठीक है, यही अकाउंट नंबर है। तो अकाउंट नंबर आप लोगों को पता लग गया, और लोन नंबर कहां पर मिलेगा,
तो लोन नंबर का कोई बात नहीं, लेकिन लोन नंबर अगर जानना चाहते हो ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। नीचे आओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो लोन नंबर, ये फाइल अगर खुल गया तो आप लोगों को सारा कुछ दिख जाएगा। लोन नंबर यही है, लोन नंबर मैंने हट कर दिया। अब जो है आईएफएससी कोड कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई देख लो, ये जो स्टेटमेंट है ना भाई मेरे भाई, यहाँ पर देखो मैंने मार्क कर दिया यूज आईएफएससी कोड HDFC 40 यानी 0000 उसके बाद 128, यही आईएफएससी कोड आपको देना है। तो आप लोगों को आसानी से पता चल गया कि जम्बू लोन का जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड कहां से पता लगाना है, मैंने कह दिया ठीक है। और आप लोगों को कस्टमर केयर में कॉल करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग हो नहीं कर पाते, तो कर पाते अगर आप लोगों को और भी वेरिफिकेशन चाहिए तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करके आप वेरीफाई कर लीजिए। अब लोन डिटेल्स कैसे देखना है, तो आप लोगों को आ जाना है क्रोम वाले ब्राउजर पे और आ जाना है google.com में ठीक है। google.com में आने के बाद यहाँ पर सिंपली से लिख दो HDFC ठीक है, सिंपली से लिख दिए। अब जो है HDFC का जो है ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, मैंने ओपन कर लिया हूँ ठीक है। सबसे पहला जो पेज आएगा वही ओपन कर लिए। यहाँ पर देखिए आस्क एवा EVA ठीक है, इसको आपको चैट करना है। तो सिंपली से आस्क एवा पे जैसे क्लिक करते हो, ये रोबोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा। तो क्रेडिट कार्ड सर्विस ये पहला वाले जो ऑप्शन है मैंने मार्क कर दिया, इसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड यू कैन आस्क मी फॉर ठीक है। यहाँ पर आने के बाद लोन ऑन कार्ड ठीक है, ये जो न्यू फीचर्स है ना ये इस वाले यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्लीज चूज फ्रॉम ए सर्विस बिलो टू गेट स्टार्टेड लोन EMI समारी, इस वाले बटन में सिंपली से क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आई हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द बैंक ब्ला ब्ला ब्ला, इसको जो है प्रोसीड वाले बटन में सिंपली से क्लिक कर लीजिए। उसके बाद डेफिनेटली आई कैन फेच योर क्रेडिट कार्ड लोन डिटेल्स, कैन आई गेट योर रजिस्टर्ड 10-digit मोबाइल नंबर, वो कह रहा है कि मैं आपको जो है जरूर से जरूर हेल्प करूंगा, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़ा या HDFC बैंक से जुड़ा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एक ही मोबाइल नंबर रहता है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। देने के बाद जो है आपके सामने ये मैसेज आएगा प्लीज एंटर द OTP रिसीव ये ब्ला 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 मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP को मैंने दे दिया 4-digit का OTP। अब जो प्लीज एंटर द लास्ट 4-digit ऑफ योर क्रेडिट कार्ड नंबर ठीक है, जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड से ही इस लोन को जो ऑफर में पाया हूं, तो आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड का नंबर दे देना। जैसे ही यहां पर दे दिए, यहां पर देखो आपको जो सारा कुछ आएगा, नीचे सी मोड में जाओ, देखो मेरा 16,681.13 रुपए आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, लोन नंबर ये शो करेगा और 32,000 का मैंने लोन लिया था, अवेलेबल लोन अमाउंट 12 मंथ्स का जो स्टार्ट किया था 5th of January 2024 और नंबर ऑफ EMI और 6 मंथ का EMI अभी भी बाकी है ठीक है। तो यहाँ पर दिख जाएगा इंटरेस्ट ऑफ रेट EMI अमाउंट कुछ ऐसा है, बस ये सब कुछ है ठीक है। तो आई बात समझ में, इस तरीके से भाई आप लोगों को अपना HDFC का लोन अकाउंट नंबर IFC कोड और जो लोन डिटेल्स है उसको पता लगा सकते हो। तो आई जो जो लोग HDFC इंस्टा जंबो लोन लिए है उन लोगों का बहुत कुछ बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, मदद मिला, तो वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए क्योंकि ये मेरा मेहनत का फल है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दबा के शेयर कीजिए ताकि मेरा मेहनत का फल बेकार ना जाए। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कॉन्टेंट लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कॉन्टेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।